वैभव गहलोत के साथ में खास बातचीत। साथ है जोधपुर से लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के वैभव गहलोत, आइए इनसे जानते हैं, बात करते हैं कि कैसा रहा इनकी कैंपिंग और इनको क्या लगता है और कौन से मुद्दे लेकर उतरे हैं। बताइए, विकास का मुद्दा लेके उतरे हैं, जोधपुर के साथ सौतेला व्यवहार हुआ वो मुद्दा लेके उतरे हैं। तमाम बातें जोधपुर की जनता समझ चुकी, जान चुकी, इनकी कड़ी से कड़ी मिली हुई थी। प्रदेश में इनकी सरकार, सांसद भाजपा का, केंद्र सरकार भाजपा की, फिर क्या कारण रहे? सर, मैं जानना चाहूंगा कि आप जो आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में गए हैं, किन किन बातों को लेकर आप अपनी तरफ से पैरवी करेंगे, जोधपुर की आगे बात करेंगे? मैंने पहले कहा कि जनता का आशीर्वाद समर्थन मुझ में मिलेगा और मैं निश्चित तौर पर जो विकास की यहाँ पे कड़ी रुक गई थी, जो विकास यहाँ पे 5 साल तक नहीं हो पाया, उस विकास को वापस मैं पुनः पटरी पे लाऊंगा, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र। इन्होंने कहा है कि विकास को पटरी पे लाएंगे, आने वाले समय में उनको जो मौका मिलेगा तो वो जरूर इस विकास की गति को बढ़ाएंगे। मैं जगदीश लोहार, जन टीवी से जोधपुर। चलिए, जगदीश लोहार जानकारी दे रहे थे वैभव गहलोत की। वैभव गहलोत वहां से एक प्रत्याशी हैं जोधपुर से, और यहां निश्चित रूप से जोधपुर वह जगह है जहां पे एम्स वहां पे है, IIT वहां पे है और NLU वहां पे है। लेकिन कहा यही जाता है कि अशोक गहलोत ने पूरी अपनी जो ये कहें कि एक जानकारी थी उनकी, एक उनका जो रुतबा है उसका फायदा जोधपुर को जरूर मिला है। लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि जोधपुर का विकास 5 साल में नहीं हो पाया, उस विकास को पटरी पर लाने के लिए अगर वो जीतते हैं तो उसी के लिए काम करेंगे। चलिए, अब हम बात